हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा 1 to 1.5 month ग्रोसरी हॉल, क्योंकि विंटर में ज़्यादा ग्रोसरी करनी पड़ती है, ज़्यादा स्टोर करनी पड़ती है, और अभी कोरोना टाइम में तो पता नहीं कब लॉकडाउन चालू हो जाए, तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है ग्रोसरी स्टोर करके रखना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड उसके पहले, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जब बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये दो डायपर के डब्बे, हगीज के 6 नंबर संगन ड्राई है, जो मुझे आराम से 2 महीने से ऊपर ही चलेंगे। और ये मैंने लिया है आटा, जो एक पाउच मैंने अभी लाया है और एक मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैंने इसलिए एक ही लाया अभी। ये ऑयल का बड़ा कैन है, आई थिंक 16 लीटर का कैन है ये, तो ये मुझे 3 महीने से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हम डीप फ्राइंग आइटम ज़्यादा बनाते नहीं हैं, बहुत कम बनाते हैं, और मैं कुकिंग में ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ, ये बस डीप फ्राई के लिए ऑयल है। यहाँ पे राइस के मैंने बहुत ज़्यादा पैकेट लिए हैं, क्योंकि राइस में रोटी, जब मुझे टाइम कम मिलता है, जब मैं बच्चों के साथ बिजी होती हूँ, तो मैं पुलाव या बिरयानी या फिर सिंपल राइस बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो मैंने कुछ अलग अलग लाए हैं। ये है नूर का, ये मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत अच्छे राइस बनते हैं इसके, फिल्डा ऑफर में था, इसलिए मैंने एक पैकेट अभी लिया, और एक मेरे पास ये पहले वाला है लेकिन ये भी भरा हुआ पैकेट है, इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे। और ये नया मैंने लाया है सितारा का ट्रेडिशनल बासमती राइस, आई डोंट नो ये कैसे होगा, ये पहली बार हम ट्राई करने वाले हैं। तो ये है, ये ऑलमोस्ट गाइस 2 महीने से ऊपर मुझे चल जाएगा। फिर आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के पास, जो ये दालें, और ये आपको हर एक इंडियन हाउस में मिलेगी, प्याज, रेड अनियन, मेरे पास वाइट वाले भी है, कुकिंग में मैं थोड़े कभी वो यूज़ करती हूँ, ये हम मोस्टली हम खाने में यूज़ करते हैं साइड सैलेड की तरह। आलू लिए हैं मैंने, सूजी है, और बाकी के जो भी है, पीनट है, उड़ीद दाल, रेड मसूर, काली दाल के लिए लकड़ी है मुझे, राजमा है, मूंग दाल है स्प्लिट वाली, सोयाबीन है, और ये है अनियन, फ्राइड अनियन, ये मुझे बिरयानी में लगते हैं तो इसलिए मैंने लाए हैं। और फिर कुछ मसाले हैं, ये हमें चाय में लगती है तो बहुत ज़्यादा, इलायची है, ये जो ख़त्म हुई थी वही मैंने लाई है, बाकी की है मेरे पास तो बहुत कम लाई है। ये मुझे खोआ बनाने के लिए लगता है, मिल्क पाउडर है ये, कुछ भी अगर डिश बनानी है घर में तो बहुत जल्दी माइक्रोवेव में बन जाता है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ फिर ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने बच्चों के खाने में, बच्चों को स्नैक की तरह देती हूँ मैं ये, और इस ब्रांड के बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। ये रॉ वाले हैं, ये मैंने खीर बनाने के लिए एक्चुअली लिए हैं, ये अच्छे लगते हैं खीर में। और फिर कुछ यहाँ पे मैंने गिट्स के पैकेट लिए हैं, गुलाब जाम, मुझे कभी कभी हमें और घर में ही झटपट बन जाते हैं, हांड वो है गुलाब जाम अगेन, राइस इडली, एंड देन डोसाई, तो ये पैकेट्स कुछ लिए हैं मैं। तो ये सारी जो ड्राई ग्रोसरी है ये ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर ही मुझे चल जाएगी। और यहाँ पे कुछ आटा है, ये दलिया है, ये अरनों को बनाती हूँ मैं, अरनों के लिए बस लगता है, हम इसका कुछ नहीं करते। तो पहले मैं इसके पाउडर बना के रेसिपी बनाती थी जब वो 12 मंथ्स के करीब था, अब ऐसे ही बनाती हूँ मैं, खिचड़ी बना के देती हूँ इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके। सोया फ्लावर है, ये आटे में मिक्स करती हूँ, काला चना है, और फिर ये सेक्शन है छोटा सा मेरे वेट लॉस के लिए, जो मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने गुड़ लिया है यहाँ पे, जैगरी, चाय के लिए, क्योंकि चाय कितनी भी डाइट कर लो, चाय छोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, सो गुड़ लिया है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये शुगर ली है 0 कैलोरी वाली, ये देखिए फैट और 0 कैलोरी वाली, और मैंने इसे लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, ये बहुत अजीब एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगती है, तो आई थॉट लेट्स ट्राई विद दिस गुड, एंड इस चक्कर को मैं मिक्स करके चाय में ऐड करूँगी और देखूँगी कैसे बनती है, क्योंकि गुड़ की चाय हम ऑलरेडी पीते हैं,
और हमें अभी आदत हो गई है, तो आई थॉट अच्छा ही लगेगा ये। सो किनवा है, ओट्स लिए हैं मैंने, हनी है मॉर्निंग में पानी पीने के लिए, और फिर चिया सीड्स लिए हैं मैंने। यहाँ पे भी मैंने ये नहीं ट्राई कर रही हूँ मैं, कोकोनट शुगर, पता नहीं कैसी होगी। इसका भी बहुत कम कैलोरीज है, या पर टेबल स्पून 15 कैलोरीज है इसमें, कार्ब भी ज़्यादा नहीं है। सो ये ट्राई करने के लिए मैंने, और ये ग्रीन टी लिए मैंने विच इज़ ऑलरेडी ओपन फॉर ट्राई दिस मॉर्निंग। सो ये सेक्शन था एक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसके लिए। सो अब आते हैं इस सेक्शन में, यहाँ पे है कुछ चाय चूई की चीज़ें, चाय और स्नैक की चीज़ें लगने वाली। तो खारी है, टोस्ट है, रेड लेबल चाय है, ये नई आई थी टी इंडिया, सो और कम प्राइस में थी। सो मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ चीज़ें मिक्स करके, सो लेट्स ट्राई विद दिस मिक्स करके, मैंने सोचा कि हम ट्राई कर ले। फिर कुछ न्यूडल्स है, और मुझे बहुत ही अच्छे लगने वाली सेवैया आई थी, तो मैंने 2 पैकेट उसके ले लिए, शीर खुरमा की सेवैये है। और ये वाला अचार है मेरे पास, और एक अचार है, तो ये देखिए ये वाला है मैंगो एंड चिली का अचार, फिर भी मैंने ये लाया है क्योंकि ये राइस के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, नान के साथ। मदर्स का पंजाबी मैंगो पिकल है, मैं भूल गई इस ब्लैक सीड को क्या कहते, कलौंजी, या आई थिंक कलौंजी, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। फिर चाय के लिए ही है ये है जिंजर एंड गार्लिक छोटा, क्योंकि आधे मैंने ऑलरेडी पील करके रख दिए है, 2 से 3 इतने। ये चिप्स है कुछ दाल चिप्स, ये नान लाए हैं पिज्जा बनाने के लिए, बहुत जल्दी बन जाता है मोज़रेला चीज के साथ। पास्ता, प्रोटीनी पास्ता, ये यश को बहुत अच्छा लगता है, और ये स्पेगेटी है, इसके साथ मैंने ये पास्ता सॉस लाई है गार्लिक एंड अनियन का। और फिर यहाँ पे है ऑलिव ऑयल, मैंगो पल्प शेक्स बनाने के लिए, ये भी स्वीट बनाने के लिए है, लिया है मैंने। टमाटो के कैन लाए हैं मैंने वो 4, क्योंकि अगर टमाटो ख़त्म हो जाए, टमाटो मैं हर एक सब्जी में यूज़ करती हूँ, और अगर ख़त्म हो जाए तो भागने की ज़रूरत नहीं है बाहर, ये यूज़ कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे फिर दाल से, अगर बहुत ही जल्दी मुझे सब्जी बनानी है और टाइम नहीं है, ये झटपट बन जाती है, ऑलरेडी बॉयल होती है, भिगी हुई होती है और बॉयल करते उस प्रकार की रहती है। तो चौली है, राजमा है, छोले है, और ये पता नहीं क्या है लाई है मैंने। कॉर्न लिए मैंने यहाँ पे सूप बनाने के लिए, ये वाले। सो ये था ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ड्राई ग्रोसरी। सो ये थी मेरी ड्राई ग्रोसरी, जो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के आसपास यूज होगी, उससे ज़्यादा ही। सो और अभी विंटर आने वाला है, मतलब जनवरी से बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला जाता है वेदर, तो मुझे ज़्यादा अगर कुछ ख़त्म भी हो जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूध और कुछ फ्रिज के आइटम अगर ख़त्म होते हैं, तो बस वो हम पास की दुकान है वहीं से लाते हैं। ये एक सेक्शन है क्लीनिंग का एंड सोप्स का। टाइड लाया है मैंने 2 कपड़े, अभी हमारे बहुत ज्यादा बच्चों के खराब होते हैं, हम 2 से 3 बार वीक में चलाते हैं ये मशीन, ये वाली और ये सनलाइट, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैंने दोनों भी ले ली। और फिर ये डिश वॉश सोप है, जो डिश वॉशर में लगने वाला, इसमें 110 क्यूब थे और सेल पे था ये, तो मैंने ये वाला ले लिया। और ये 2 मैंने सॉफ्टनर लिए है, ये भी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो और फिर यहाँ पे है कुछ शैम्पूज, कंडीशनर ये, और ये यश के लिए है, या अर्नव के लिए, मैं एविनोक का यूज़ करती हूँ। पाउडर है, तेल है, जो चीज़ ऑलरेडी ओपन, एंड क्रीम है, दैट्स ऑल। ये क्लीनिंग एंड बाथिंग के लिए लिया था मैंने। और फिर आते हैं बच्चों के सेक्शन में के साइड किट का सेक्शन है ये। सो यहाँ पे मैंने लिए है, ये सीरियल है 2, मैश प्यूरी है, मैश पोटैटो टाइप बन जाती है ये, गर्म पानी डालो झटपट। पॉपकॉर्न है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जूस है, ये केक रेडीमेड केक, और फिर यहाँ पे है ये स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट लिक्विड, ये है हॉट चॉकलेट, और फिर कुछ ओरियो है, और मैगी हमें लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी लाई है मैंने मैगी, ये शेजवान ट्राई करने के लिए लाई है। और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स लाए मैंने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट्स देने के लिए। फिर आते हैं फ्रूट के सेक्शन में।
फ्रूट्स में कैंटालूप लिए हैं मैंने, मैं अभी मॉर्निंग में ही लाए हैं मैंने ग्रोसरी, तो ट्राई करती हूँ कि थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने दूँ बैग्स में, और ये ऊपर की सेक्शन में मैं बैग्स लगा के रखती हूँ वाइट प्लास्टिक की, तो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। उसी तरह मैंने एप्पल को भी आधे वॉश करके आधे ऊपर रख दिए है और आधे प्लास्टिक में है, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। ब्लूबेरी और फिर ये नारियल, बहुत ही अच्छे हैं इनके नारियल, स्वीट आते हैं। और फिर आते हैं फ्री, ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे लेने जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते बाद, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी की चीज़ें तो फिनिश नहीं होगी जल्दी, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये हमारे पास ही में दुकान है सेवन फूड, वहाँ से हम जाके लाते हैं चीज़ें। सो फ्रीजिंग स्टॉक में मैंने लिए है एग लिए है, और सैलेड के लिए हमारा ये सैलेड है 2 पैकेट, फिर हॉट डॉग है, पनीर है, पनीर एंड टोफू है, वहाँ पे मिल्क लिया है मैंने, ये आलू टिक्की है, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है गाजर, टमाटो, ब्रोकली, मूली, करेले और मिर्चे, और फ्रोजन स्पिनच लिए, ये इजी टू कुक है इसलिए लिए है। बहुत सारे नान के पैकेट है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अच्छे पड़ते हैं बनाने के लिए, झटपट बन जाते हैं। और ये ग्राउंड लैम्प है या फ्रोजन लैम्प है, फिश है यहाँ पे, हम फिश बहुत खाते हैं तो क्या बोलते हैं इसे, पॉम्पलेट है और कुछ किंग फिश है, और नीचे है आइसक्रीम डॉल सॉल। ये थी ग्रोसरी हॉल, कैसी लगी वीडियो आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।